पॉटेटिक्वेन्स पर हमारा काम चल रहा था एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री पर हम काम कर रहे थे जिसमें हम चार टाइप्स आपको सॉल्व करना सिखा चुके हैं आज हमने चार लेक्चर नंबर ट्वेंटी वन में आपको टाइप नंबर फाइव को सॉल्व करना सिखाना है तो बकायदा लेक्चर का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ बेलाइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रिसेंट अपडेट्स से आप लोग अवेयर रहें और थम्सअप का बटन भी प्रेस किया करें मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की तरफ जो के टाइप नंबर फाइव में फॉल करती है और इसमें एक ट्रिक है अगर वो ट्रिक आपको समझ आ जाती है स्टार्ट में तो आपका क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाता अगर आपने उस पर ध्यान ना दिया तो फिर मसला बन जाएगा क्वेश्चन को आगे करते हुए कि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गई हैं अच्छा अब आपने सबसे पहला स्टेप जो टाइप नंबर फाइव में करना है वो ये कि आपने इनकी पेयरिंग करनी है यू आर सपोज टू मेक द पेयरिंग ताकि आप सब आसानी से कर सकें अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा करती हूँ तो प्लस वन और प्लस थ्री फोर बन जाएगा लेकिन इन दोनों को सॉल्व करती हूँ तो वो तो मेरे पास ट्वेल्व बनेगा तो ये तो इक्वल नहीं है मैं अगर फर्स्ट और थर्ड को पेयर आप करती हूँ तो प्लस वन एंड माइनस फाइव विल बी माइनस फोर और इन दोनों के पास ऑप्शन बची नहीं इन्होंने पेयर होना ही होना है प्लस थ्री और माइनस सेवन तो वो भी आपके पास माइनस फोर देगा मीन्स इनकी पेयरिंग करनी है आपने और पेयरिंग इस तरीके से करनी है कि पहले वाले को आपने थर्ड वाले के साथ लिख देना है और सेकेंड वाले को आपने किसके साथ लिख देना है लास्ट वाले के साथ लिख लेना है और वन नाइन्टी टू अब इनको मल्टीप्लाई कर दें आप इजीली एक्स केयर माइनस फाइव एक्स इसका फ़ायदा क्या होगा पेयरिंग का वो भी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन इतना इजी नोट पर जा चुका है प्लस थ्री एक्स सेवन थ्री ट्वेंटी वन होता है इज इक्वल टू वन नाइन्टी टू एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी वन वन नाइन्टी टू अब क्या होगा कि आपने इस चीज़ को गौर करें ये पेरिंग का फ़ायदा हुआ है केस को आप पुट कर देंगे किसके इक्वल वाई के इक्वल ये चीज़ आपकी सेम करने के लिए हमने पेरिंग की है वाई प्लस फाइव सॉरी बेसिकली यहाँ पर माइनस फाइव था ठीक है ये आ गया वाई माइनस फाइव यहाँ पर आ गया वाई माइनस ट्वेंटी वन इक्वल्स टू वन नाइन्टी टू ठीक हो गया मल्टीप्लाई कर दें माइनस ट्वेंटी वन वाई फाइव वाई प्लस वन ज़ीरो फाइव और इस वन नाइन्टी टू को भी आप इस तरीके इधर शिफ्ट कर दें या गया वाइस केयर इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो ट्वेंटी सिक्स वाई हो गया ठीक है उसके बाद आपने क्या करना है इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस एटी सेवन इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो अब आपकी मर्जी है आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं आप इस पर प्राइम फैक्टराइजेशन करें आप इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर करें आपकी मर्जी है मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने लगी हूँ वाई इज इक्वल टू माइनस बी उसके बाद यहाँ पर आता है प्लस माइनस बी स्केयर फिर आता है माइनस फोर फिर आता है ए फिर आ जाता है यहाँ पर सी और बाय में आ जाता है आपके पास टू ए इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं क्या बनता है आपके पास ये बन चुका है इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स प्लस माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो थर्टी टू का स्केयर रूट होता है सॉल्व हो गया तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी सिखाया है कि जब स्केयर रूट सॉल्व हो जाता है तो दो केसेस बनते हैं जिनको क्लियर नहीं है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वो गो थ्रू कर सकते हैं ये मैंने जी दो केसेस बना लिए एक किसके साथ प्लस के साथ और एक माइनस के साथ ट्वेंटी सिक्स प्लस थर्टी टू ये जनरेट करेगा फिफ्टी एट फिफ्टी एट बाई टू फिफ्टी एट को आप डिवाइड कर दें किस पर टू पर तो आपके पास आंसर आ जाएगा ट्वेंटी नाइन और इधर से आप कर लें वाई ट्वेंटी सिक्स में से थर्टी टू आप माइनस कर दें माइनस सिक्स बाई टू हो जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री अब ये आपका आंसर नहीं है क्यों क्योंकि ये तो आपने अपनी मर्जी से सब गई की थी उसने तो नहीं कहा था आपको आपने तो रिड्यूस किया था तो आप रीपुटिंग करेंगे वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके अगर आप देखेंगे तो रीपुटिंग में क्या है रीपुटिंग में आप अब वाई की जगह क्या पुट करेंगे एक्स केयर माइनस फोर एक्स एक्स केयर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन और दूसरा आपके पास होगा एक्स स्वेयर माइनस फोर एक्स इज इक्व टू माइनस थ्री इसको आप अरेंज कर लें एक्स स्क्र माइनस फोर माइनस ट्वेंटी नाइन इक्वल टू ज़ीरो और इधर से एक्स स्यर माइनस फोर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो जिसकी फैक्ट्राइजेशन होती है फैक्ट्राइजेशन कर लें जिसकी फैक्ट्राइजेशन नहीं होती उस पर कॉर्ड्रेटिक फार्मूला लगा लें कोई मसला नहीं है मैं यहाँ पर कॉर्ड्रेटिक फार्मूला लगाने लगी हूँ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर में डायरेक्ट लिखने लगी हूँ सिक्सटीन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर ए और सी मतलब फोर को मैं ट्वेंटी नाइन से मल्टीप्लाई करने लगी हूँ वन वन सिक्सटीन बाय टू एटेटिक फार्मूला हमने आपको लगाना सिखाया हुआ है अच्छा आप इन दोनों का स्केयर रूट सॉल्व कर लें सिक्सटीन प्लस वन वन सिक्स ये आपके पास आ जाएगा टू स्केयर रूट थर्टी थ्री बाय में आ जाएगा टू टू आप कॉमन ले लें टू प्लस माइनस थर्टी थ्री बाय टू इसको इससे कैंसल आउट कर दें एक्स इज इक्वल टू टू प्लस माइनस के रूट थर्टी थ्री एक तो आंसर आपके पास ये आ गया दो दो आंसर आ चुके हैं दो और चाहिए जिनकी फैक्टराइजेशन हो रही है हम फैक्टराइजेशन कर ले कोई मसला नहीं इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है आपके पास वन इंटू थ्री एक्स इसमें से एक्स कॉमन ले लें इसमें से थ्री कॉमन ले लें माइनस थ्री बेसिकली ये हो गया यहाँ से मजीद कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस वन क्या बच गया आपके पास यू आर लेफ्ट विद एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो यहाँ से दो केसेस बन गए फिर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो एक्स आ गया आपके पास वन यहां से एक्स आ गया आपके पास थ्री तो इसका जब हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आएगा सोल्यूशन सेट इज बेसिकली इक्वल टू वन थ्री टू प्लस माइनस स्केयर रूट थर्टी थ्री ये था आपके पास टाइप नंबर फाइव का क्वेश्चन अब मूव करते हैं इसके एक और क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स अगर हम इस पर गौर करें तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में तो हमें पेयरिंग करने की बेसिकली ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये देखें माइनस वन एंड माइनस टू माइनस थ्री माइनस थ्री एंड प्लस फाइव वो हो जाएगा तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये पहले से पेयरड अप हुआ हुआ है टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू नेक्स्ट आपके पास एक्स फाइव एक्स माइनस एट एक्स फाइव एट आर फोर्टी प्लस थ्री सिक्सटी इक्वल टू ज़ीरो एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स प्लस टू बहुत सिंपल क्वेश्चन है मुश्किल नहीं है माइनस थ्री एक्स माइनस फोर्टी प्लस थ्री सिक्सटी इक्व टू ज़ीरो अब आप क्या करेंगे आपको नज़र आ रहा है कि ये सेम चीज़ है इसको आप पुट कर सकते हैं तो आप पुट कर दें क्या चीज पुट एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स इज इक्व टू वाई यहाँ पर आ गया वाई प्लस टू यहां पर हो गया वाई माइनस फोर्टी यहाँ पर हो गया थ्री सिक्सटी इक्व टू जीरो मल्टीप्लाई कर लें भाई वाई स्क्र फोर्टी वाई टू वाई एटी प्लस थ्री सिक्सटी इज इक्वल टू ज़ीरो वाई स्केयर माइनस थर्टी एट वाई और यहाँ पर आप थ्री सिक्सटी में से एटी को माइनस कर दें तो आपके पास रह जाएगा टू एटी ठीक हो गई बात अब मैं इस पर दोबारा कॉड्रेटिक फार्मूला लगाने लगी हूँ वाई इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस थर्टी एट का स्केयर आपके पास हो जाएगा वन फोर 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 माइनस फोर ए सी आपने करना है मतलब फोर को मल्टीप्लाई करेंगे आप टू एट्टी के साथ वन वन टू ज़ीरो बाय आपके पास आता है टू ए तो वो टू ही आ गया थर्टी एट और इसका अगर आप स्केयर रूट सॉल्व करेंगे वन 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 टू जीरो तो वो आपके पास आ जाएगा एटीन एटीन बाय टू अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाना चाहते तो आप फैक्टराइजेशन कर लें कोई मसला नहीं है अच्छा अब ये यहाँ पर मेरे पास क्या बन गया दो केसेस बन गए हैं एक मेरे पास बन, बन गया है वाई इज इक्वल टू थर्टी एट प्लस एटीन टू और दूसरा केस मेरे पास बन गया है वाई थर्टी एट माइनस एटीन टू ठीक है प्लस थर्टी एट बाई टू थर्टी मतलब थर्टी एट प्लस एटीन फिफ्टी सिक्स हो जाएगा फिफ्टी सिक्स बाई टू अगर आप देखें तो वो आपके पास आ जाता है ट्वेंटी एट वाई इज एक टू ट्वेंटी एट और यहाँ से आपके पास आप थर्टी एट में से एटीन को माइनस कर दें आपके पास आ जाएगा ट्वेंटी और ट्वेंटी को जब आप टू पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टेन अभी आपके पास आंसर्स नहीं है अभी आपने इसकी रीपुटिंग करनी है क्योंकि आंसर्स वाई में क्वेश्चन एक्स में है तो अभी एक स्टेप इसका बाकी है जहाँ जहाँ वाई है वहाँ एक्स स् केयर माइनस थ्री एक्स पुट करेंगे वो देखे किस तरीके से पुटिंग हो रही है एक्स स्यर माइनस थ्री एक्स इज ईक्ल टू ट्वेंटी एट एक्स स्यर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट इक्वल टू ज़ीरो इसी तरीके से आप इधर कर लें एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो मैं दोनों पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने लगी x एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर हो जाएगा नाइन माइनस फोर ए सी में प्लस हो जाएगा फोर इंटू ट्वेंटी एट दैट विल बी इक्वल्स टू वन वन टू बाय टू उसके बाद क्या होगा थ्री प्लस माइनस अब स्केयर रूट नाइन प्लस वन वन टू को आपने सॉल्व किया तो वो आपके पास आ गया इलेवन बाई टू दो केसेस बना लें यहाँ से थ्री प्लस इलेवन बाय टू और यहाँ से एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस इलेवन बाई टू अब अगर आप थ्री प्लस इलेवन करते हैं तो आपके पास आ जाएगा फोर्टीन फोर्टीन बाई टू आपके पास आ जाएगा सेवन इसी तरीके से अगर थ्री माइनस इलेवन करते हैं तो आ जाता है माइनस एट माइनस एट बाई टू वो क्या आ जाएगा माइनस फोर यह आपके दो आंसर्स निकल चुके हैं दो आंसर्स आपने यहाँ से निकालने हैं वो किस तरीके से निकलेंगे जरा देखते हैं यहाँ पर दोबारा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रही हूँ माइनस इंटू माइनस थ्री प्लस माइनस नाइन और माइनस माइनस प्लस फोर इंटू फोर्टी फोर ए सी होता है ये हो गया बाय टू आप फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है थ्री प्लस माइनस या जाएगा फोर्टी नाइन और वो होता है सेवन दो केसेस बना लें उसी तरीके से थ्री प्लस सेवन बाई टू और इधर आ जाएगा आपका थ्री माइनस सेवन बाई टू एक्स आपके पास आ गया ये टेन टेन बाई टू विल बी फाइव और यहाँ पर आ गया फोर माइनस फोर और माइनस फोर का आ गया माइनस टू तो जब आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट लिखेंगे बेसिकली उसमें कितने नंबर आपके पास आएंगे उसमें आपके पास चार नंबर आएंगे क्योंकि चार ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही थी तो एक्स की पावर फोर बनता है तो चार रूट्स इसके आएंगे वो कौन कौन से हैं आप छोटे से बड़े की तरफ लिख लें सबसे छोटा वाला माइनस फोर है फिर उससे थोड़ा सा बड़ा माइनस टू है फिर उससे बड़ा फाइव है फिर उससे बड़ा सेवन है सेट है ना थोड़ा हम अरेंज करके लिख लें वैसे तो ऑर्डर मैटर नहीं करता होता सेट्स में लेकिन थोड़ा सा अगर हम अरेंज करके लिख लें तो थोड़ा प्यारा हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स तो ये था आपके पास लेक्चर नंबर नाइन जिसमें हम लोगों ने आपको वन पॉइंट थ्री वाइंड अप करा दी है टाइप नंबर फाइव करवाई है प्लीज़ बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें हमें दुआ में याद रखें अल्लाह हाफिज़